कल्याण न्यूज। जिन पंचायत प्रधानों के खिलाफ विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत हुई है उनके विरुद्ध जांच अभी चली है, ये पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। कांगड़ा जिला के फतेहपुर उपमंडल के खटियाड़ में पहुंचे पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जब तक कोर्ट उनको सजा नहीं दे देता तब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। मंत्री वीरेंद्र कंवर से सवाल पूछा गया था कि जिन पंचायत प्रधानों के खिलाफ जांच चल रही है क्या पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर उनके बारे सरकार कोई फैसला लेगी। इसी सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा विपक्ष के रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि चुनाव आयोग की डेट से पहले रोस्टर निकाला है। विपक्ष के नेताओं को लगता है कि रोस्टर से छेड़छाड़ हुई तो वो कोर्ट या डीसी के पास अपील कर सकते हैं। पूरी तरह से तैयार लेकर ली अगर निकायों के चुनाव की नोटिफिकेशन हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दो दिन में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हैं उसकी भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। सर विपक्ष का आरोप है कि रोस्टर को निकालने में रोस्टर में जो बनाने में उसमें छेड़छाड़ की गई है और जो कि भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है आए दिन उसको लेकर रोस्टर लेट हुआ है। रोस्टर सही समय पर निकाला है, जैसे ही चुनाव आयोग की जो डेट्स आई हैं उससे पहले जो है वो रोस्टर निकालना था निकाला है। विपक्ष के नेताओं को अगर लगता है कि रोस्टर से छेड़छाड़ हुई है तो उनको जो है उसकी कोर्ट में या नोटिफिकेशन के पास जो है उसकी अपील कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा है लेकिन बिना वजह से कोई बात करना है, अभी तक रोस्टर निकला नहीं था और ये कहना कि रोस्टर के साथ छेड़छाड़ होगी जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, अभी रोस्टर निकला है जहाँ उनकी भ्रांतियाँ हैं उनकी भ्रांतियाँ दूर कर देते हैं। सर जिन पंचायत प्रधानों पे इंक्वायरी चल रही है क्या उन पे के विरुद्ध भी कोई फैसला लिया जाएगा चुनाव लड़ने पर? अभी तक जब तक उनको न्यायालय सजा नहीं दे देता तब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। सर सबसे महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है कि जो कोरोना काल में किस तरह लेके चुनाव करवाए जाएंगे उसको लेकर कुछ प्लान बनाया गया है? चुनाव डीडीसी के जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं, चुनाव जो हैं वो बिहार में भी हो रहे हैं, जो भी एसओपी चुनाव आयोग बनाएगा उसके अनुसार सरकार जो है चुनाव करवाएगी।